ओके, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था नाइट्रोजन, ठीक है, ग्रुप 5A एलिमेंट्स, उसके अंदर हम लोगों ने नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से स्टार्ट किया था, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था वो था आपके पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन यानी कि N2O, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस, ठीक है। तो डाई नाइट्रोजन का रिएक्शन था, उसकी प्रिपरेशन का मेथड हमने सबके अंदर, जितने भी हमने कल ऑक्साइड्स पढ़े थे नाइट्रोजन के, उनकी प्रिपरेशन का मेथड, फिर उसके बाद उनकी रिएक्शंस और यूजेस और प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सारे ऑक्साइड्स का पढ़ना है, ठीक है। तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एसिडिक एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3 यहाँ पे अपने करेक्शन कर लेगा, और मेटालिक जिंक, ठीक है। आप जिंक के साथ, मेटल के साथ जब नाइट्रिक एसिड HNO3 इसको करेक्ट कर लिएगा, उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जिंक नाइट्रेट साथ में N2O और वाटर, ठीक है। और सेकेंड मेथड में था अमोनियम नाइट्रेट, लेकिन आपने ये रिएक्शन करवाते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आपको खतरा हो टू अवॉइड द डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, तो हम अमोनियम नाइट्रेट को रिप्लेस कर देते हैं बाय मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट, इन दोनों का मिक्सचर हम यूज करते हैं, तो उससे भी हम जो है N2O यानी कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज थी कि इसकी स्मेल जो है वो प्लेजेंट स्मेल है, ठीक है, और ये कलरलेस गैस है, लेकिन सॉल्युबल है कोल्ड वाटर में, और साथ में इसको अगर आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन के साथ, तो फिर आपको हिस्टेरिकल लाफ्टर यानी कि ये लाफिंग गैस है, आपको अपनी हंसी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। और रिएक्शंस इसके थे सल्फर के साथ, फॉस्फोरस के साथ, और ये कॉपर, इन सब में आप देखोगे सल्फर, फॉस्फोरस और कॉपर, इन सब के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं तो N2O क्या करता है, ये खुद नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि रिड्यूस हो जाता है, बाकी सबको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड, इन सबको ऑक्साइड, इनको यानी कि ऑक्सीडाइज कर दिया है और खुद जो है ये रिड्यूस हो गया है N2O के अंदर, ठीक। उसके बाद द सेकेंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपने नाइट्रिक एसिड, जैसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर हमने जिंक और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाया था, तो यहाँ पे आप रिएक्शन करवाओगे कॉपर और नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। तो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो कॉपर नाइट्रेट NO, ठीक है, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। और सेकेंड इसका मेथड जो है प्रिपरेशन का, कि कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग एयर, एयर यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, ठीक है। एयर को जब, यानी क्योंकि एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट है, ठीक है, जब उसमें से इलेक्ट्रिक आर्क, आप थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क यानी कि इसमें से थोड़ा सा करंट पास करवाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NO में। अक्सर दफा जो ये NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस तभी प्रोड्यूस होती है जब थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़कती है, ठीक है, तब भी सेम ये होता है क्योंकि एयर है, एयर में से वो जब बिजली कड़कती है तो करंट, ठीक है, तो इस वजह से तब भी ये NO गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसके टू मेथड्स हैं, एक कॉपर के साथ नाइट्रिक एसिड का, जैसे कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में जिंक और नाइट्रिक एसिड का करवाया था, यहाँ पे कॉपर और नाइट्रिक एसिड का। और जो सेकेंड रिएक्शन है कि एयर में से आपने इलेक्ट्रिक आर्क, तो एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन गैस भी, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी NO में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस, डाई नाइट्रोजन भी कलरलेस गैस थी, ये भी कलरलेस गैस है, लेकिन हैवियर देन एयर एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर कम डिसॉल्व होती है। जो अभी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड पड़ी थी वो फेयरली सॉल्युबल है, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, लेकिन ये जो है ये बहुत कम सॉल्युबल है वाटर के अंदर, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद रिएक्शन है, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, ठीक है, तो NO नाइट्रोजन ऑक्साइड का जब ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज, इसमें फर्दर ऐड हो जाएगी ऑक्सीजन, देन इट विल कन्वर्ट इनटू NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब है ये भी, वैसे हमने अभी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पढ़ना है, ठीक है, तो इसका ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अब आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कि कैसी होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रेडिश ब्राउन गैस है, ठीक है। बाकी अभी तक जो गैसेस पड़ी है नाइट्रोजन ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो दोनों कलरलेस गैस थी, लेकिन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये आपके पास रेडिश ब्राउन है। उसके बाद इट डीकम्पोजेस इनटू, अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड का आप जो है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, डीकम्पोज हो जाता है N2 और O2 के अंदर, ठीक है, तो ये स्प्लिट हो गया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। उसके बाद ये आपका हो गया कंप्लीट। अच्छा, एक और इसके कुछ और रिएक्शंस हैं। अच्छा जी, अब इट फॉर्म नाइट्रोसाइल क्लोराइड, ये नाइट्रोसाइल क्लोराइड ये NO
सीएल, ठीक है, ये नाइट्रोसाइल क्लोराइड भी बनाता है, ये नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड भी, यानी NOBr, ठीक है। ये किसना से कि जस्ट आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन गैस के साथ या ब्रोमीन के साथ। अगर क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनता है, अगर आप ब्रोमीन के साथ करवाओगे तो नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल। चारकोल क्या है? जस्ट एमोफस कार्बन है, ठीक है, एमोफस कार्बन है, ठीक, यानी चारकोल, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंस में आप करवाते हैं तो ये नाइट्रोसाइल क्लोराइड या नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, फोर्थ इसका रिएक्शन है, इट फॉर्म्स अ ब्राउन कलर्ड एडिशन कंपाउंड विद फेरस सल्फेट, ठीक है। ये फेरस सल्फेट है, FeSO4, ठीक है। FeSO4 ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस तरह से आ सकता है व्हाट इज रिंग टेस्ट, ठीक है। तो रिंग टेस्ट क्या है कि जब आपने फेरस सल्फेट के अंदर आप नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऐड करवाते हैं, ठीक है, तो एक ये रिंग बना देता है ब्राउन कलर का, ठीक है, ब्राउन कलर का प्रोडक्ट बना देता है FeSO4 और NO। ये एक एडिशन प्रोडक्ट है, यानी कि दोनों ऐड हो गए हैं, ठीक है। अभी ये अलग अलग रिएक्टेंट है लेकिन अभी एक कंप्लीट रिएक्टेंट है FeSO4 NO, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर का बनाता है। अब ये टेस्ट यूज होता है, द टेस्ट इज यूज टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स, ये नाइट्रेट्स की प्रेजेंस को शो करवाने के लिए ये टेस्ट होता है, रिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अपने पास हाईलाइट कर ले। अच्छा जी, फिफ्थ है विद रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं और खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स एग्जाम्पल क्या, H2S है, ठीक है, या H2SO3 है, ठीक है। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, ये H2SO3 है, ठीक है। H2S या H2SO3, इनके साथ जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इट इज रिड्यूस टू नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, या नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा या नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर। तो अब ये किस तरह से आपके पास H2S और NO का रिएक्शन हुआ है, तो वाटर और ये सल्फर, ठीक है। मैंने आपको कहा था रिड्यूसिंग एजेंट्स खुद क्या होते हैं, दूसरे को रिड्यूस करके खुद इसने ऑक्सीडाइज होने, तो इसने रिड्यूस कैसे किया है कि NO से ये हो गया है N2O में, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड में, या किसी और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो कभी इसमें नाइट्रोजन भी बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं था, H2SO3 से खुद किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड में, और NO से ये कन्वर्ट हो गया है N2O में, ठीक है। अच्छा जी, ऑक्सीडाइजिंग, अब पहले हमने कर लिया रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ऑर्गेनिक वाले पार्ट में पढ़े थे, जैसे आपके पास नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अच्छा जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाते हैं तो वो क्या करेगा, इनको ऑक्सीडाइज कर देगा NO को NO2 में, ठीक है। इसने क्या किया था N2O में, जब ये रिड्यूस हो रहा है तो ये कन्वर्ट होता है N2O, यानी नाइट्रोजन बढ़ जाता है, ठीक है। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो NO2 में या नाइट्रिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ये आप नाइट्रिक एसिड पहले ले रहे हैं तो ये कन्वर्ट होगा NO2 में, ठीक है। अगर आप KMnO4 ले रहे हैं, ठीक है, KMnO4 को हम उधर भी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यूज करते हैं, ठीक, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रिक एसिड में, HNO3 के अंदर, ठीक है। तो आपको अब हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिएक्शंस किस किस के साथ पढ़े हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ, FeSO4 के साथ ये हमें रिंग टेस्ट देता है, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें नाइट्रोसाइल देता है, ठीक है। और इसके हमने कौन से रिएक्शंस किए हैं कि अगर हम इसको हीट करते हैं 1000 डिग्री पे तो ये डिकम्पोज हो जाता है, या इसका हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए तो ये NO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब आ जाते हैं वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट। तो आपने जस्ट लेड नाइट्रेट को हीट करना है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में, तो ये आपको कन्वर्ट कर देगा लेड ऑक्साइड में, ऑक्सीजन में, और NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ठीक। एक मेथड हो गया, सेकंड मेथड सेम वही है जो अभी नाइट्रोजन ऑक्साइड में हमने पढ़ा था कि नाइट्रिक एसिड और कॉपर। हम लोगों ने पहला वाला जो ऑक्साइड था डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके अंदर हमने जिंको नाइट्रिक एसिड का किया, फिर सेकंड वाले में नाइट्रोजन ऑक्साइड जब हमने प्रिपेयर करना था तब हमने नाइट्रिक एसिड और कॉपर यूज किया था। अब भी हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड और कॉपर, लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि अगर आप यहाँ पे नाइट्रिक एसिड अब यूज करें कंसनट्रेटेड, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला था उसके अंदर आपने यूज कर रहे थे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, लेकिन जब आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करनी है देन वी विल यूज कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद द कॉपर, ठीक है। तो ये कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, वाटर है और अब NO2, ठीक है, कंसनट्रेटेड है तो ये NO2 के अंदर
हमें प्रोडक्ट देगा। ठीक है, इसके टू मेथड्स होंगे, एक लेड नाइट्राइड से और एक कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसकी आ जाती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अभी हम लोगों ने पहले भी रिएक्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला भी पढ़ा था, तो वहाँ मेंशन था कि रेडिश ब्राउन गैस। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके पास कैसी है? रेडिश ब्राउन गैस विद अ पंजेंट स्मेल, इट डिजॉल्व रेडिली इन वाटर टू फॉर्म ब्लू एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, ये डिजॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर, और आपको कौन से कलर का सोल्यूशन देती है? ब्लू और एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन क्यों देती है? क्योंकि वाटर के साथ ही एनओ टू डिजॉल्व होकर आपको एसिड देता है। ठीक है, नाइट्रस एसिड, इस वजह से ये आपके पास एसिडिक सोल्यूशन है, रेडिश ब्राउन गैस है और इसकी पंजेंट स्मेल है और वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शंस इसके कि ऑन कूलिंग। अच्छा, ये पूरे जो पैराग्राफ लिखा है उसकी समरी है आपको नीचे दी हुई है कि ऑन कूलिंग एनओ टू, आपने एनओ टू ये गैस है, ठीक है, आप इसको कूल कर रहे हो। कूल करने का मतलब क्या है कि इसको गैशियस फेज से आप इसको लिक्विफाई कर रहे हो। ठीक है, कूलिंग का क्या होता है कि आपने टेम्परेचर कम कर दिया। जब आप किसी भी चीज का टेम्परेचर कम कर देते हो तो बेसिकली उस मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं आप उसकी काइनेटिक एनर्जी कम कर देते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो क्या होगा, वो अपनी फेज चेंज कर लेता है, वो गैसियस से लिक्विड में आ जाएगा। अगर लिक्विड को आप कूल करते हो तो यही है सेम, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम करती है तो वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एनओ टू को जब आप कूल कर रहे हैं तो कन्वर्ट हो जाएगा एनओ, अच्छा जी, एनओ टू लिक्विड में। ठीक है, गैसेस से अभी से भी ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में क्योंकि आपने इसको जस्ट कूल किया। ठीक, एनओ टू इज कन्वर्टेड इंटू अ येलो लिक्विड। अब ये किस तरह का हो गया आपके पास? येलो लिक्विड। ये गैस कैसी थी? रेडिश ब्राउन गैस थी, आपने इसको कूल किया तो ये कन्वर्ट हो गया है येलो लिक्विड में, विच कैन बी फ्रोजन टू अ कलरलेस सॉलिड। इसको आप और मजीद कूल करेंगे तो ये कन्वर्ट हो सकता है फ्रोजन सॉलिड में, लेकिन वो कैसा होगा? वो कलरलेस सॉलिड होगा। ठीक, उसके बाद डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया आपके पास डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के अंदर। एनओ टू को लिक्विफाई किया, उसके बाद आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है डाई नाइट्रोजन टेट्रा, यानी डाई नाइट्रोजन एन टू टेट्रा ऑक्साइड ओ फोर। ठीक है, यहाँ के पास पेल येलो कलर का। ठीक, इफ दिस सॉलिड इज हीटेड टू 140, अब आपने इसको हीट करना है 140 के ऊपर, द मिक्सचर कंटेन्स, अब इस मिक्सचर के अंदर क्या क्या चीजें हैं? एन टू ओ फोर भी है और एनओ टू भी है। ठीक है, 140 के ऊपर आप इसको हीट करेंगे, बट अबव 140 एनओ टू इज कन्वर्टेड टू एनओ। अगर 140 से अबव जाते हैं तो जो मिक्सचर के अंदर एनओ टू है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, इस कन्वर्ट हो जाएगा एनओ में। ठीक है, तो ये कलरलेस एनओ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, एनओ टू मॉलिक्यूल्स विच आर कलरलेस, दिस डिकम्पोजिशन इज कम्प्लीट एट 620 डिग्री सेल्सियस। तो ये उन्होंने आपको, ये कब हो रहा है? 140 से अबव जाना है, तो 140 से अबव जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 620। ठीक है, तो 620 के ऊपर ये जो एनओ टू है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास कलरलेस एनओ में और साथ में ऑक्सीजन गैस के अंदर। ठीक, ये इसके अंदर जस्ट उन्होंने टेम्परेचर यानी कि कूल कर रहे हैं या उसको हीट कर रहे हैं 140 पे या 620 के अंदर, तो एनओ टू डिफरेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, आप उसको कूल कर रहे थे तो एन टू ओ फोर में कन्वर्ट हो गया, अगर आप इसको हीट कर रहे हैं अबव 140 करते हैं तो ये एनओ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये है। उसके बाद द सेकेंड रिएक्शन, कि एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस पोटेशियम कार्बन कंटिन्यू बर्निंग इन एनओ टू एज इट यील्ड्स ओ टू ऑन डिकम्पोजिशन। एनओ टू का आप रिएक्शन, इसको अगर यानी कि आपने हीट किया है तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एनओ और ओ टू में। ये वही रिवर्सिबल रिएक्शन है। अभी हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया था तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा था, अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हीट करें तो वो डिकम्पोज किस में हो रहा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप इसको एनओ टू को रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम के साथ, फॉस्फोरस के साथ, कार्बन के साथ, ठीक है, तो तब भी ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनओ में, और साथ में क्या होगा? पी टू ओ फाइव यानी कि उनके भी ऑक्साइड्स बना देता है। ठीक है, फॉस्फोरस का उसने ऑक्साइड पी टू यानी फॉस्फोरस डाई फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इसका रिएक्शन है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में इट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं, आपने इसको डिजोल्व करना वाटर में डिजोल्व किया है, तो एनओ टू किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये आपका नाइट्रिक एसिड है HNO3, और ये HNO2 जो है नाइट्रस एसिड। ठीक है, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से जब आप इसका जो सोल्यूशन हम वाटर में कहते हैं कि एसिडिक है, क्योंकि ये एसिड्स फॉर्म कर देता है जब ये वाटर में डिजोल्व हो रहा होता है।
हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ये हो गया इन द एब्सेंस, ठीक है। अब एयर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो सिर्फ आपके पास क्या आएगा, नाइट्रिक एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये उन्होंने आपको रिएक्शन दिया है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, ठीक है, तब ये इसमें सिर्फ नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है। अगर एब्सेंस ऑफ एयर में तो नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड दोनों दो एसिड्स बनते हैं, लेकिन प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिर्फ आपके पास नाइट्रिक एसिड आता है, ठीक है। उसके बाद द फोर्थ रिएक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइड इज फॉर्म्ड व्हेन NO2 इज पास्ड थ्रू स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अल्कलीज जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्कली, तब इसमें से आप पास करवाते हैं NO2 को, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आपके पास नाइट्रेट भी NaNO3 और नाइट्राइड NaNO2 और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद आगे इसकी प्रॉपर्टीज हैं, रिएक्शंस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, फिर इसका रिएक्शन जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NO2 का, तो पोटेशियम KNO3 और KNO2, एक नाइट्रस और एक नाइट्राइड, ठीक है। उसके बाद इसका फिफ्थ रिएक्शन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज H2S2 सल्फर, ठीक है। अब ये खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या कर रहा है, H2S के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो इसको कन्वर्ट कर देगा सल्फर में, यानी कि इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज कैसे किया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये सल्फर आपके पास आ गया, ठीक। और या फेरस सल्फेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, फेरिक सल्फेट में, या पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अब किस तरह से, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो H2S में से इसने रिमूव कर दिया हाइड्रोजन को, तो ये कन्वर्ट हो गया सल्फर में, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये फेरस सल्फेट है FeSO4, इसके अंदर जो आयरन है ना Fe, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, ठीक है। +2 से जब इस NO2 के साथ, तो इसके अब यहाँ पे अब ये बन गया फेरिक सल्फेट Fe2SO4 ये 3 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे अब आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, ठीक है, +2 से +3, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है। तो ये वो वाली एग्जांपल ऑक्सीडेशन की जहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ये वो वाली एग्जांपल है जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे NO2 ने फेरस सल्फेट को कन्वर्ट कर दिया है फेरिक सल्फेट में, यहाँ पे अब आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, ठीक है, और यहाँ पे थी +2, ठीक। और खुद ये किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर। अच्छा जी, पोटेशियम आयोडाइड में क्या हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करवाया है तो अब जो आयोडाइड है यहाँ पर, ठीक है, ये आई अब ये कन्वर्ट हो गया I2 के अंदर, ठीक है, तो ये भी इसकी हो गई है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन यानी कि आपके पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपके ऑक्साइड्स हो गए हैं कम्प्लीट। उसके बाद अब आ जाते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। पहले अभी तक हमने जितने पढ़े थे वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन थे, अब आ गए ऑक्सी एसिड्स, यानी कि एसिड्स, नाइट्रोजन के एसिड्स, और उसके अंदर नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन और एसिड है, तो एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, इसका मतलब है हाइड्रोजन भी है इनमें, ठीक है। तो दे आर टू इम्पोर्टेंट ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, जो कि अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ लिए थे। तो नाइट्रस एसिड HNO2 और नाइट्रिक एसिड HNO3, ये उनके उन्होंने दिया हमें फॉर्मूला, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान यहाँ डबल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन ने अपने दो बॉन्ड कैसे बनाए, एक नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, कोई चार्जेस कुछ नहीं है, बहुत स्टेबल एसिड है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, और इन क्योंकि नाइट्रोजन टोटल 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इस ऑक्सीजन के साथ 2 कोवलेंट बॉन्ड हो गए, ये 3rd कोवलेंट बॉन्ड हो गया, तो नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर इसको दे दिया। तो यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और इस ऑक्सीजन ने अपने आप को स्टेबल किया हुआ है इस तरह से 2 बॉन्ड्स बना के, ठीक है। बस इसको हम यहीं तक ही रखते हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन तक, ठीक है, यहाँ तक ही बस आज लेक्चर रखते हैं। कल हम इसको डिटेल से नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड को कल डिटेल से स्टडी करेंगे मंडे को।